जी, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए। और चलिए अब हम सेशन को लाइव करेंगे, राइट। और मेरे हिसाब से सेशन लाइव हो चुका है, तो अब चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन में हम बहुत कुछ जान पाएंगे मेरे दोस्त, और सबसे ज्यादा जरूरी जान पाएंगे कि आज हम आप लोगों को जो स्टार्टिंग हमने किया था पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आज पार्ट थ्री सेशन है हमारा। पार्ट वन और में और पार्ट टू में आपने बहुत कुछ जाना। आपने पार्ट वन में जब हमने लर्निंग करा हाउ टू डू वेस्टेज, वेस्टेज को हम कैसे करें, एक ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था इंडक्शन ट्रेनिंग क्या मायने रखता है, उसमें कैसे आप लोगों को इनवाइट करोगे, कैसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे, आप लोगों को कैसे मीटिंग में प्रेजेंटेशन देंगे, आप ये सारी उनको कैसे आप फॉलो अप करेंगे, ये पहले दिन हमने सीखा था। सेकेंड डे के सेशन में भी आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उस बीच में फिर आपको ये ज्यादा पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में क्या है स्पेशल, राइट। तो एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमने पार्ट वन में क्या सीखा था और पार्ट टू में क्या सीखा था, राइट। क्योंकि ये जानना जरूरी है आपको। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ कि दोनों सेशन में आपने क्या सीखा था। चलिए, तो राइट अवे आप लोगों को पता होगा, जब हम पार्ट वन और पार्ट टू हम जब सीख रहे थे तो हमने क्या सीखा था, जो मीटिंग में थे उन्हें पता है। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड शो में ले आता हूँ, फिर पता चलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, ये रहा आप। अब ये जिस तरह का आपको हेडिंग आपको दिख रहा होगा ऊपर, हाउ टू डू वेस्टेज पार्ट थ्री, आज पार्ट थ्री का सेशन है हमारा, और जनरली हम सीख रहे हैं प्रोफेशनल बन के, राइट। तो प्रोफेशनल किसको बोलते हैं, प्रोफेशनल बोलते हैं कि जो स्किल्स और नॉलेज आप लेंगे और जो एक्सपीरियंस लेंगे उस हिसाब से जो इंसान आगे बढ़ता है वो कहते हैं कि प्रोफेशनली ट्रेंड होता है अपने आप को। और वेस्टेज में जो कहते हैं प्रोफेशनल नहीं बनते हैं वो शायद बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम लोग प्रोफेशनल बने, हम लोग वेस्टेज में आए हैं तो प्रोफेशनल होकर के काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम प्रोफेशनली काम नहीं करेंगे तो शायद हम बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने जो एजुकेशन का पार्ट रखा हुआ है वो प्रोफेशनल तरीके से आपको ट्रेंड करने का पार्ट रखा हुआ है। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, जब हाउ टू डू वेस्टेज के पार्ट वन में जो हमने सीखा था कि आपको गोल्स और ड्रीम्स बनाने पड़ते हैं जब आपको काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले दो सेशन को ध्यान रहेगा कि हमने पार्ट वन में क्या सीखा था और पार्ट टू में क्या सीखा था। जैसे हम वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कोई बताएंगे आप? सर, बिल्कुल क्लियर आवाज है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी खूबसूरत। गोल्स एंड ड्रीम्स, जैसे कोई वेस्टेज के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो सबसे पहले हम लीडर को बोलते हैं अपना एक गोल और एक ड्रीम बना लीजिए, और गोल और ड्रीम बनाने के बाद ही उसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से मकान बनाने से पहले हम नक्शा बनाते हैं ना, और उसी नक्शे के अनुसार वो पूरी इमारत खड़ी होती है, तो उसी हिसाब से हम आपको गोल और ड्रीम बनाने के लिए बोलते हैं कि उसी हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट में हमने मेकिंग लिस्ट के बारे में आपको बताया कि आपको कम से कम एक आइडियल 100 का लिस्ट होना चाहिए, और थर्ड में बताया था कि लोगों को इन्वाइट कीजिए, इन्विटेशन दीजिए अपने घर पे होम मीटिंग करके, और फिर प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताया आपको कि कम से कम 5 से 6 प्लान शुरुआती दौर में अपने सीनियर के द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन करवाएं, और उनको फिर किस तरह से फॉलो अप करना है, यदि वो ज्वाइन कर लिए हैं तो, और यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तब भी उनके साथ क्या फॉलो अप करना है, हर एक 2-3 दिन पे एक कोई ना कोई टेस्टिमोनियल वीडियो भेजना है, किसी का पेआउट भेजना है, वेस्टेज के कोई प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है। ये तो आपने सीखा था पार्ट वन में। पार्ट टू में जो आपने सीखा था वेस्टेज जो सेशन जो था, उसमें आपने ये सीखा कि आपको एक मेंटोर चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो जब तक आपके पास मेंटर नहीं है जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक गुरु नहीं है, कोई आपको उंगली पकड़ करके चलने वाला सिखाने वाला नहीं है, तो शायद आप बड़ा नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये आपको मेंटर कोई भी हो उनको फॉलो करना है, अपने अपलाइन को फॉलो करना है, और कौन, जो एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन हो। ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि ड्रेस कोड कितना इंपॉर्टेंट रखता है, यदि आप प्रोफेशनल को काम को लेना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं, ड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बैग होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपको लीडिंग लेडीज बुक, कार बुक, प्रेजेंटेशन बुक, आपके पास प्रोडक्ट डेमो, ये सब कुछ आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ये मैंने बताया था कल, आप जिन्हें जाना था और वो डिटेल में आपने जाना था कि कितना कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने में क्या क्या आता है, राइट।
और मेंटेन सेल्फ बिलीफ, अपने अंदर कितना आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोच आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए यदि आपको प्रोफेशनली ट्रेंड होकर के आगे बढ़ना, एक लीडर के रूप में तब्दील होना है तो, राइट। और नेक्स्ट, कम्युनिकेशन गैप हमने बात करी थी कि जीरो होना चाहिए। हमारे पास अपलायन का फोन आए डाउनलाइन के पास, या डाउनलाइन का फोन आए अपलायन के पास, या किसी भी लीडर्स का फोन आए तो हमेशा उस फोन को अटेंड करना है। कम्युनिकेशन करने के तरीके भी हमने बताया कि किस तरह से आप कॉल को अटेंड करना है, यदि किसी को हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल एंड कैसे करना है, हाई नोट पे एंड करना है, कॉल शुरुआती दौर में कॉल में कौन सी बातें करनी है, आप बिजी हैं नहीं बिजी हैं, बात कर सकते हैं, जो भी तरीका मैंने बताया आप पार्ट टू की वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और लास्ट जो मैंने स्लाइड दिया था कि एक जूम मीटिंग डेली आपको करना है, ये आपने सीखा था हाउ टू डू वेस्टेज के पार्ट टू में जो यस्टरडे का था, कल का था। वेस्टेज एवेंजर जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे जाकर के आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में सीखा वो आपके सामने है, राइट। और मुझे पूरा यकीन है कि पार्ट वन और पार्ट टू को फॉलो करने के बाद आप बहुत आसान फील कर रहे होंगे, बहुत आराम फील कर रहे होंगे, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब चीजें हमारे साथ जुड़ी तो मैं एक बड़ी कामयाबी ले सकता हूँ या बड़ी कामयाबी जुड़ सकता है हमारे साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि सीखने सिखाने का दौर है, हमें बताने का दौर है कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर तवज्जो करके हम वेस्टेज में कामयाब होते हैं, तो नेक्स्ट भी हम आपके पास पार्ट थ्री लेकर के आए हैं, और वो पार्ट थ्री में जो आपका स्टार्टअप होगा वो यहाँ से स्टार्टअप होगा, राइट। सबसे पहले पार्ट थ्री के पहले जो हमारा स्लाइड है उसमें मैंने आपके सामने जो रखा है टॉप 10 कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको चाहिए। देखिए वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म में हम आते हैं तो सबसे पहले हमने आपसे एक बात करी थी कि आपको भीड़ इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। यदि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो शायद वेस्टेज को आप बड़े लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। जब आपके पास बहुत सारे लोग होंगे उसमें से कम ऐसे 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए आप। वो ऐसे 10 लीडर को सिलेक्ट कीजिए कि वो कम से कम डेली प्लानर हो, वो पीठ पे थैला लटकाने वाले हों, वो साथ में प्रेजेंटेशन जो बैग है उनके हाथ में हमेशा होना चाहिए पूरे दिन। तो अपनी पूरी टीम में से ऐसे कम से कम ऐसे 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि 10 लोगों को सिलेक्ट करना शायद मुश्किल काम है, तो मैं आपको थोड़ा सा आसान बना देता हूं। कैसे वो 10 लोग सिलेक्ट होंगे? सब लोगों को पता है कि जैसे हम वेस्टेज प्लेटफॉर्म में आते हैं, जैसे हमारे पास सीनियर हमारे साथ अटैच होकर के प्लान दिखाना शुरू करते हैं, तो कहा जाता है कि एक आइडियल लिस्ट 100 लिस्ट के ऊपर हम काम करते हैं। 100 लिस्ट के ऊपर काम करने के अलावा हम डेली कम से कम 2 से 3 प्लान करते हैं। 3 प्लान भी आपने डेली करा और आपने 30 दिन यदि प्लान करा तो 30 या 90 लोग होते हैं। 90 लोग यानी आपके 100 की आइडियल लिस्ट करीब करीब सबको प्लान दिखा चुके होते हैं। चूंकि आप स्टार्टिंग फेज में अपने सीनियर को यूज कर रहे हैं प्लान दिखाने में, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास रिजल्ट थोड़ी रफ्तार में होगी। यदि आपने पहले 6 प्लान अपने सीनियर के साथ या अपने मेंटर के साथ आपने दिखाया है, तो जाहिर सी बात है आपके पास कम से कम 15 से 20 लोगों की टीम बन जाती है। 7वें 8वें प्लान से जब आप खुद प्लान दिखाना शुरू करते हैं, वहां से भी 1 महीने में मैं एश्योर करता हूं आपको कि कम से कम ऐसे 10 लीडर आपको मिल जाएंगे जो ड्रीम वाले होंगे, जिन्होंने आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सोचा होगा, और जिन्होंने सोचा होगा लाइफ में एक गोल बनाया होगा कि अगले 1 साल में या 1 से 3 साल में मुझे वेस्टेज से कम से कम 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग चाहिए। और जब किसी को 1 लाख रुपए की अर्निंग के हिसाब से आप ढूंढ रहे हैं तो मैं कहता हूँ बहुत सारे परफॉर्मर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर इसलिए बोला कि हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी बनना है, आप भी हो या मैं भी हूं, तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना है। ऐसा नहीं कि एराटिक परफॉर्मेंस बनना है, पता चला कि हम 10 दिन तो बहुत पॉजिटिव रहे और बाकी 10 दिन हम बैठ गए। तो पहले तो ये 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, और 10 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनसे बात कीजिए आप कि आपको रेगुलर होकर के वेस्टेज में आपको काम करने पड़ेंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मर वही है कि रेगुलर आपको 1-1 घंटे के बारे में वो बता देगा कि नेक्स्ट इवनिंग में वो क्या कर रहा है, आपको अभी शाम में क्या कर रहा है वो आपको बता सकता है कि उसका क्या शेड्यूल है। तो ये कंसिस्टेंट मतलब लगातार निरंतर हमने काम करने वाले ऐसे 10 लोगों को ढूंढना है जिससे कि आप कामयाबी की सीढ़ी आराम से चढ़ पाओ। और ये 10 लोग आपको शायद बिलीव नहीं होगा, ये 10 लोगों की टीम जो है आपको 1 साल के अंदर, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 10,000 की टीम में तब्दील हो जाएगा। सच बता रहा हूं आपको, यकीन मानिए मैंने ऐसा किया हुआ है, इसलिए आपको कह रहा हूं ये हो जाएगा आपके साथ। और मैं सबको बताना चाहूंगा, देखिए 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ बीच में बोलूंगा कि देखो बहुत सारे लोग नए आ जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है वेस्टेज में,
ढाई साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो इतना कुछ स्पेशल नहीं सोचा था, लेकिन आज की तारीख में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने की पेआउट है। अच्छा सा 12 लाख की कार चलाते हैं हम, हुंडा की WRV। विदेश घूम कर आए, एक बार घूम कर आए वो बड़ी बात नहीं है, हर एक 6-6 महीने पे हमारा फॉरेन टूर लगता है, राइट। तो ये सब कुछ स्पेशल मुझे 2 से 2.5 साल में हुआ है सिर्फ यही काम करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पता चला 5 दिन आप बैठे हैं, कर तो लिया था 10 दिन। तो ये किसान की तरह नहीं है कि किसान खेत में जाकर के फसल लगा दिया और फसल लगा दिया उसके बाद यदि 2-4 दिन वो घर पे भी बैठ गए क्योंकि वो पानी और खाद डाल चुका होता है तो अपने आप पनपता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे उसको टेक केयर करना पड़ेगा। किसान भी फसल लगाता है तो डेली टेक केयर करता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा स्कूल 1 महीना जाएगा और अगले 1 महीना नहीं जाएगा तो बहुत इंटेलिजेंट निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंसिस्टेंट वे पे परफॉर्मेंस देनी है, आपको रेगुलर लेवल पे परफॉर्मेंस देनी है। यदि काम बल्कि आप 2 घंटा करें लेकिन डेली करें, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप काम एक दिन 10 घंटे करो और बाकी 10 दिन बैठ जाओ आप, वो कंसिस्टेंट नहीं हुआ, वो निरंतरता नहीं हुई। जनरली वेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे यदि लोग नाकामयाब होते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो कभी कभी आराम फरमाते रहते हैं, वो कभी कभी सोचते हैं छोड़ो ना यार, अपने अपना तो मन मर्जी है। बच्चे को तो डांट पीट करके कैसे भी ड्रेस में ला करके किताब पीठ पे टांग करके और बोल देते हैं जाओ स्कूल, और घर में कौन करेगा। हाँ जी, बीबी के ताने सुन सुन के हम वैसे पक चुके हैं पहले, अब तो जितनी भी ताने दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में रहो चाहे बाहर में रहो। जिनको फर्क पड़ता है वो सवेरे निकल जाते हैं सीधे थैला लटका करके, वो चल पड़ते हैं पीठ पे बैग लटकाते हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि अभी प्योट भी नहीं आ रहा होगा, बीबी ना खुश भी होगी, डांट भी मार रही होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, ऐसे बैग लटकाते हो चले तो कुछ होता तो है नहीं, क्योंकि ये सब चीजें सबको लोग सुनते हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैंने भी सुना है, सब लोग सुनते हैं ये चीजें। शुरुआती डांट पड़ती है क्योंकि शुरुआत में वेस्टी से इनकम कम आते हैं, आप परफॉर्मेंस भी डेली बेसिस पे दे रहे होते हैं तो पहले 6 महीना साल भर आपकी पे आउट लिमिटेड होती है। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लीडर्स का पे आउट बहुत जल्दी अच्छा बन जाता है, मेरी भी पे आउट 15 महीने में 1 लाख रुपए महीने इनकम आना शुरू हो गया था। तो ये मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट कितने ज्यादा हो, जिस टीम में जितने ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेंगे उस टीम उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप वेस्टेज के प्लेटफॉर्म पे आप होते हो तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनके रहो, आप रेगुलर काम करो आप, और अपने नीचे कम से कम ऐसे 10 लोगों को जरूर सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 10 लोग ऐसे लीडर आपके नीचे होना चाहिए जिनको आप उनको पूछ लीजिए कि आपके सपने हैं जी अगले बहुत कुछ दिनों में बहुत बड़ा करना है, अगले 3 साल में क्या 1 लाख रुपए मिनिमम इनकम आपको चाहिए, क्या अगले 3 साल में आपको लग्जरी कार चाहिए, क्या अगले 3 साल में आपको फॉरेन टूर चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि समाज में आपका एक बहुत बड़ा नाम हो, क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एक बहुत बड़ा नाम हो, क्या आप चाहते हैं दुनिया आपको एक कामयाब के रूप में देखे। यदि इस तरह के बात आप करेंगे तो हर एक इंसान के अंदर चाहत होती है, लेकिन उसके साथ बैठ करके जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो मैंने शेड्यूलिंग करवाया था आपको, जो तरीके बताए थे उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सबसे जरूरी ये काम यह है कि आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना ही पड़ेगा, यदि कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है तो बढ़िया काम नहीं हो पाएगा। तो अपने टीम में सेलेक्ट कीजिए ऐसे 10 लोगों को, सच बता रहा हूं, और आप नोट कर लीजिए एक डायरेक्टर लेवल पे कम से कम आपके नीचे 10 लोग होने चाहिए। यदि नहीं है तो आज आप तैयारी कर लीजिए और उनको उस लिस्ट में ना रखें जिनको आप बार बार कॉल कर रहे हैं। उस 10 लोगों में वो लोग नहीं होंगे कि जिनको कॉल कर रहे हैं और कॉल पिक नहीं कर रहा है, वो आपको बड़े सपने वो देखने वाले नहीं है, वो जो आपकी बात नहीं मान रहा है आज कल को वो कामयाब भी नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो आपकी बात को माने, नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यदि वो अपनी मर्जी का चलाएंगे तो बहुत कुछ स्पेशल नहीं कर पाएंगे। जैसे कल मैंने आपको बोला था मेंटर के रोल में क्या मेंटर का रोल होता है, तो अपनी मर्जी का चलाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। यदि वो आपकी बात मान रहे हैं, आपको तवज्जो दे रहे हैं, वो आप जिस तरह से सिखाना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, तो वो बढ़िया परफॉर्मर बनेंगे, राइट। तो पहला स्लाइड जो हमारे बीच में आपके बीच में है वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर। ऐसे 10 लोगों की आप ड्रीम बनवाइए और ऐसे 10 लोगों को अपने ड्रीम के साथ अटैच करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये सर्च आउट करना बहुत जरूरी है कि 10 लोग कौन होंगे आपके बीच में, और जब आपकी टीम 100 लोगों की होगी तो 10 लोगों को ऐड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह का यही डुप्लीकेट अपने नीचे वालों को भी बताएं। कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले ही पीठ पे बैग टांगने वाले होते हैं और भाग रहे होते हैं, तो शायद आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी टीम में 10 लोग थैला लटकाने वाले नहीं है तो शायद आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि पीठ पे बैग लटकाने वाले 10 लोग होने चाहिए आपकी टीम में।
जो कि अपने पर्सनल लेवल पे वो लोगों को प्लान दें। सपोज देयर यदि सिर्फ आप घर से आप ही बैग लटका कर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, 2 साल हो गए वेस्टेज में, 3 साल हो गए वेस्टेज में, लेकिन अभी एक या दो लोग उनके उनकी टीम में जो थैला लटका करके जाने वाले हैं, बिल्कुल प्रेजेंटेशन फाइल लेकर के रोज निकलते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, यदि आप ही बैग लटका कर आप चलते रहेंगे, बैग लेकर चलते रहेंगे, तो शायद आप बड़ी टीम खड़ा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जब तक आप भागेंगे बिजनेस होगा, ऑटो मोड में बिजनेस नहीं जाएगा। और नेटवर्किंग का असूल है कि हम बिजनेस को ऑटो मोड में ले जाना है हमने। ऑटो मोड में ले जाने का मतलब ये हुआ कि आज सपोज दैट मैं हूं, आज इस दुनिया में मैं नहीं भी होता हूं, तो 1.5-1.5 लाख की प्योट मेरी पत्नी को आना शुरू होगा, मेरी पत्नी के बाद मेरे बच्चों को आना शुरू होगा। ये ऑटो मोड में बिजनेस तभी जाएगा जब एक नेटवर्क, खूबसूरत सा नेटवर्क आपके बीच में खड़ा हो जाएगा। तो इसकी तैयारी करें, और जो स्टेप धीरे धीरे मैंने बताया फॉलो करने पे ये काम बहुत आसानी से हो सकता है, राइट। तो ये रहा आपका पहला स्लाइड जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी कि ऐसे टॉप 10 लोगों को आप सिलेक्ट कीजिए, 10 लोगों को सिलेक्ट कीजिए और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बनाने की कोशिश कीजिए, रेगुलर लेवल पे वो काम करें, ऐसा बनाने की कोशिश करें आप, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जाता हूं, और बहुत जबरदस्त स्लाइड है हमारा और फेवरेट स्लाइड है, डोंट बी ए स्पेयर टाइम लीडर। आप खाली समय के लीडर ना बने, या तो आप फुल टाइम लीडर बने या फिर पार्ट टाइम लीडर बने। एक्चुअली स्पेयर टाइम लीडर किसको बोलते हैं, जो कि बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं बिजनेस को, वो सिर्फ खाली समय में। कितने लोगों को पूछता हूं कि सर वो वेस्टेज की मीटिंग, आपको पता है ना, पहले तो मुझे वो क्या बोलते हैं, पहले तो मेरे को आटा लाना है, फिर हमें बच्चों की कटिंग करवानी है, फिर आज संडे है ना, आपको नहीं पता बहुत सारे काम है, और पहले फिर वो वाइफ के लिए शॉपिंग करने जाना है, फिर ये करना है, उसके बाद देखूंगा शाम में कुछ समय बचेगा ना, तो फिर मैं वेस्टेज की तरफ बात कर लूंगा। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मकान बनवा रहा हूँ अभी, अभी वो मकान का रिपेयर का काम चल रहा है, अभी तो बिजी, अभी तो अभी बात ही मत करो। ऐसे लीडर पता है बहुत होशियार लीडर होते हैं, ये सिर्फ उस समय का चुनाव करते हैं जब बिल्कुल आराम फरमा रहे होते हैं, इनकी पे आउट भी वैसे आराम फरमाने वाली आती है। तो स्पेयर टाइम लीडर मत बनिए कि जब समय कुछ बच गया तो एक आग दो लोगों को, चार लोगों को फोन कर लिया और वाला बाप रे मैं तो संसा बन गया, मैं तो वैसे बहुत मन से कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं ये अपने आप को धोखा देने जैसा है। तो कहते हैं ना, फ्री टाइम में जब मिला तो काम करेंगे, तो वो लीडर नहीं बन सकता। या तो आप पार्ट टाइम लीडर बने या फुल टाइम लीडर बने। पार्ट टाइम लीडर बने तो आपको अपने पता होगा कि 3 घंटे या 4 घंटे जितना भी आपको पार्ट टाइम देना है तो उतना सीरियसली आपको देना है। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं 8 से 10 घंटे की, उसके बाद वो टाइम निकलते हैं अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चीज से टाइम हटा करके, कुछ टीवी वगैरह ना देखना, ये सब चीज को हटा करके वो पार्ट टाइम 3 से 4 घंटा पुट करते हैं वेस्टेज प्लेटफॉर्म पे। हमारी टीम में एक बहुत अच्छे लीडर है जिन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस कर करके अपनी टीम को बिल्डअप किया है, मिस्टर शकील जैदी। ड्यूटी करने के बाद वो लास्ट के जो 3-4 घंटे होते थे 7 से 10 शाम में, वो पूरा वेस्टेज को देते थे। वो पार्ट टाइम लीडर बन करके आज डायमंड डायरेक्टर का लेवल लेने जा रहे हैं इस महीने, और आज भी अब फुल टाइम, जैसे फुल टाइम हुए हैं इस महीने से, इसी महीने से उन्होंने फुल टाइम किया, इसी महीने स्टार से डायमंड बन रहे हैं वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करें, पार्ट टाइम काम करें तो 3 घंटे रेगुलर काम करें, ऐसा नहीं कि आज स्पेयर टाइम है, मिल गया तो कर लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी सारे काम निपटा लेंगे, उसके बाद कोई कहते हैं कि अब मैं वेस्टेज के लिए बोलूंगा, चलता हूं यार किसी के पास ऐसे बोल दूंगा, कभी नहीं होगा। आपका वेस्टेज बड़ा बन ही नहीं पाएगा, बिजनेस आप कर ही नहीं पाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं सच्चाई, 90% लोग ऐसे ही काम करते हैं, स्पेयर टाइम में काम करते हैं, अपने काम को इसको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रखते हैं वेस्टेज को। प्रायोरिटी उनका क्या है, घर के सारे काम पहले पूरे हो जाएं, बच्चों की सारी ख्वाहिशें पहले पूरी हो जाए, वाइफ की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, पहले बढ़िया से आराम से बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी सारा बढ़िया ढंग से मैं मना लूं, उसके बाद जो समय बचेगा आराम से मैं वेस्टेज में दूंगा। वेस्टेज की मीटिंग कैंसिल हो जाए कोई बात नहीं, हमारा बर्थडे नहीं छूटना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि यही 3 साल का कमिटमेंट जो है, जो मैंने आपको बोला, जो अगले 100 साल तक की इनकम देगा आपको, और वो 3 साल लगातार 3 घंटे डेली बेसिस पे यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, बहुत बड़ा लीडर नहीं बनेंगे। तो स्पेयर टाइम लीडर मत बनिए। 90 से 95% लोग, सच बता रहा हूं, जितने लोग आप लोग सुन रहे हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ लगे, लेकिन वो स्पेयर टाइम लीडर है। अरे वेस्टीज है, ज्वाइन कर रखा है, गोल्ड डायरेक्टर का लेवल है, पता आपको नहीं मालूम, मेरे पास सिल्वर का लेवल है, स्टार बना हुआ हूं अभी, कोई बात नहीं, ड्यूटी करता हूं ना 8 से 10 घंटे, मेरे पास टाइम तो होता ही नहीं है। हाँ वो कभी कभार कर लेता हूं, संडे वनडे मिल जाता है ना, कर लेते हैं वैसे काम। आपको क्या लग रहा है बहुत बड़ा कर जाएंगे आप? मैंने ऐसे लोगों को देखा है 4-4, 5-5 साल से काटते हुए,
और वही वो स्पेयर टाइम लीडर बने हुए हैं अभी, तो स्पेयर टाइम में इनकम भी आती है, 3-4 महीने में कभी टपक गया तो टपक गया, नहीं तो इनकम ही नहीं गायब हो जाती उनकी, है ना, क्योंकि वो स्पेयर टाइम लीडर है। तो इनकम भी कहता मैं स्पेयर टाइम में आऊंगा कभी कभार, राइट, जैसे सब कुछ जिसको प्रायोरिटी दे रहा है ना पहले वहां जाता। तो ये स्पेयर टाइम लीडर आप बनने की कोशिश ना करें, लीडर बनिए ना यार, पार्ट टाइम बनिए तो कमिटेड होकर के 3-4 घंटा पार्ट टाइम लीडर बनिए, या फुल टाइम है तो पूरा फुल टाइम लीडर बनिए, आप खूब मस्ती से काम कीजिए, देखिए कामयाबी कैसे ना जुड़ती है आपके साथ। जनरली वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म पे 70% लोग एज ए पार्ट टाइम बनकर के आते हैं, लेकिन 70% लोग जो पार्ट टाइम बनकर के आते हैं, पार्ट टाइम बनकर के आते हैं, वो पार्ट टाइम करते नहीं। आप पूछ लीजिए सर क्या बात करें, उनके पास हमेशा एक्सक्यूज मिलेगा आपको, हमेशा कोई ना कोई बना, आपको पता है ना सर सवेरे 8 बजे चले जाते हैं, धक्के खा करके जाते हैं सर, वहां बैठते हैं सर, काम करते हैं 8-10 घंटे, फिर वहां से आते थक जाते हैं, क्या करें, फिर बीवी बच्चों देखना होता है। मैं बोला पूरी जिंदगी तू यही करता आ रहा है भाई, 50 के बाद तो तू ही नहीं पता कि तू कब थक करके ऊपर टपक जाएगा, कम से कम कल के लिए आज तो सोच लो, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वही कल का निर्माण करेगा, राइट। तो जितने भी पार्ट टाइमर हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा, फुल टाइम तो है ही है बेचारे, वो फुल टाइम है ना, कम भी सोचते होंगे लेकिन 2-3 घंटा तो सोच ही लेते होंगे वो, उसके बारे में भी हम आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे, फुल टाइम भी काम करते हैं तो हम कैसे करते हैं। तो पार्ट टाइम लीडर भी हैं तो बड़ा सोच समझ करके और होशियारी से काम कीजिए, आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटा निकालने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे मेरे दोस्त, है ना। काबिलियत काफी के अंदर है, लेकिन वो एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना, सबके पास वही टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप काम करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और मैं सब लोगों को बताता हूं कि ये चीज पे तवज्जो दिया करो मेरे दोस्त, आप स्पेयर टाइम लीडर मत बनो, या तो पार्ट टाइम लीडर बनो या फुल टाइम लीडर बनो, और दिखावे का लीडर बनना है तो वेस्टी जैसे प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, आप छोड़कर जा सकते हैं, जाइए, जैसे जिंदगी कंप्रोमाइज करके काट रहे हैं वैसे काटते रहिए, कोई इशू नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, ये सेकंड हमारा स्लाइड था आपको बीच में, मुझे समझ में आया कि आप लोगों के पास ये चीजें समझ में गई होगी बात, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि स्पेयर टाइम लीडर हमें नहीं बनना है, हमें पार्ट टाइम या फुल टाइम लीडर बनना है। चलिए अगला प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं इस प्रेजेंटेशन को, कि प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर वर्क करना है, एक्टिव टाइम के ऊपर वर्क नहीं करना। अब ये प्रोडक्टिव टाइम और एक्टिव टाइम है क्या, अब मैं आता हूं फुल टाइमर के लिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जो 2 घंटे बिजनेस करके जितना बिजनेस निकाल लेते हैं, 2 घंटे काम करते हैं डेली और इतना बढ़िया बिजनेस निकाल लेते हैं, जो फुल टाइम जो बिजनेस कर रहे हैं वो उतना बिजनेस नहीं निकाल पाते हैं। उसका कारण पता है क्या है, जिन्होंने वो 2-3 घंटे ही टाइम दिया वो उनका प्रोडक्टिव टाइम था, यानी पूरा वो 3 घंटे लगे रहे, और एक व्यक्ति एक्टिव होकर के 8-10 घंटा लगा हुआ है तो सिर्फ पॉजिटिव माहौल में बैठ करके पॉजिटिव बना हुआ है, वो प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे। सपोज दैट कोई एक लीडर है, कहता मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत, आपको नहीं पता सर मैं हमेशा एकदम दिमाग में, तो सोनू शर्मा सर का वीडियो एकदम छाया रहता है सर दिमाग में, पूरा मैं धूम धड़ाक में बना रहता हूँ, और पता चलता है कि वो पूरे दिन क्या करा, अपने अपलाइन के पास गया, वहां बैठा और बगल में 4-5 घंटे कुर्सियां तोड़ी खुद दबा कर, क्या वो काम कर रहा है तो बहुत एक्टिव, लेकिन वो 5-6 घंटे उसके पास बैठने से क्या होगा, क्या उसने प्लान प्रेजेंटेशन की, क्या उसने इनविटेशन की, क्या उसने फॉलो अप किया, और यदि ये भी किया तो कितने टाइम किया। वो हो सकता है कि 4 कॉल किया हो और उसको 10 मिनट खत्म हो गया या आधा घंटा खत्म हो गया, उसके बाद पूरा दिन एंजॉय करेगा कि मैंने तो भाई आज तो बस समझो कितना काम कर लिया, पता नहीं कितना काम नहीं किया आपने, आपको लग रहा है कि 10-12 घंटे लगे हुआ, लेकिन आपने वो जो आधा घंटा जो आपने 6 कॉल किया ना, सिर्फ वही आपका प्रोडक्टिव टाइम है, वही से उसी आधे घंटे के हिसाब से आपके बिजनेस में रिजल्ट आएगा। तो ये समझिए कि रिजल्ट बड़ा लाने के लिए आपके पास प्रोडक्टिव टाइम ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अब प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए, आप देख रहे होंगे स्लाइड में कैसे धक्का दे रहे हैं समय को, आप बढ़ाइए, जब तक प्रोडक्टिव टाइम आपका नहीं बढ़ेगा बिजनेस बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। बहुत तो लीडर हैं, मैं क्या बताऊं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, हर एक टीम और हर एक ग्रुप में इस तरह के लीडर्स होते हैं जो कि वो कहते तो हैं, जब पूछोगे तो आपको एक ही बात कहेंगे, सर क्या बात कर रहे हो सर, इतना पॉजिटिव हूं सर, मैं बोलता हूँ सर बिजनेस, बोला सर आप चिंता मत करो सर मैं छोड़ूंगा नहीं, हम कि भाई तू पकड़ के कौन सा तीर मार रहा है भाई। फिर पूछता हूँ कि सर बिजनेस थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस नहीं आपका, बोले सर चिंता मत करो सर मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, हम कि तू पकड़ के क्या कर रहा है भाई।
तू छोड़ेगा नहीं तो पकड़ के भी तो कुछ कर। अरे पकड़ करके रखे रखेगा और कुछ नहीं होगा तो कल को छोड़ ही देगा, क्योंकि उस तरह से आप टाइम दे ही नहीं रहे हो। तो पकड़ के रखने वाला ये एक बम्बो पकड़ के बैठे हो आप, उससे कोई फायदा नहीं है कि आप बिल्कुल बस जी मैं वेस्टी पकड़ लिया, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, अब तो मेरे को हिला नहीं सकता है ना। और पता चला कि ना हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दो प्लान डेली करना है वो गायब है, इन्विटेशन प्रोसेस पे नीचे वाले को काम करवाना है हम गायब है, नीचे फॉलो अप करनी है हम लोगों को, उनके साथ लिस्ट विस्ट बनवानी है उनके सौ, अब हम सोचते हैं कि गलती से जाके 100 आदमी को उसकी लिस्ट बनवा दिया और उसको बोला कि चलो मिलवाओ, तो पता चला कि यार 2-3 घंटे तो खराब हो जाने हैं भाई, खराब हो जाने हैं। ऐसा सोचते हैं कि अब 3 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यदि आपको आने वाले दिनों में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना, सिल्वर गोल्ड स्टार डायमंड क्राउन यूसीडी ड्यूसीडी जो भी बनना है आपको, बिना ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन के आप नहीं बन सकते। आप अपने प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाइए। आप बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे साथ भी काम करने वाले जो फुल टाइम है, लेकिन उससे पूछिए कि उन्होंने प्रोडक्टिव टाइम कितना दिया, क्या आज उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन में 2 घंटा खर्च किया है, क्या उन्होंने इनविटेशन आज कितने लोगों को किया। जाहिर सी बात है जब इनविटेशन करेंगे तो प्लान प्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो इनविटेशन गायब ही बात है, कितने लोग तो 10-10 दिन हो जाता प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता, फॉलो अप कराई नहीं किसी को, बैठ करके 1 घंटा फॉलो अप करना होता है डेली बेसिस पे, आपके पास आपकी टीम में 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनको सबको फॉलो अप करना होता है, उनका एक आध टेस्टिमोनियल वीडियो उनके पास भेजना होता है हर एक 2-3 दिन पे, सबको एक ही दिन तो नहीं भेज देंगे लेकिन कुछ कुछ लीडर को सिलेक्ट करके भेज सकते हैं आप, उनके पास कुछ प्रोडक्ट भेज सकते हैं। तो फॉलो अप किस तरह से आप कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन नहीं किया उनको फॉलो अप किस तरह से, आपके पास जो लिस्ट है डायरी है वो सब मेंटेन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब चीज कीजिए आप। रेगुलर मीटिंग वगैरह वो भी प्रोडक्टिव टाइम है आपका, क्योंकि वहां पे आप सीख रहे हो कुछ वेस्टेज के लिए। तो सिर्फ बैठे रहना और पॉजिटिव बनकर के लवालव कि बस मैं तो बिल्कुल हूँ जी कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, वो काम आपको बड़ा नहीं करवाएगा, राइट? तो कोशिश कीजिए कि आपका प्रोडक्टिव टाइम ज्यादा से ज्यादा हो। सपोज दैट आज मैं किसी लीडर को फोन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि कैसे हैं आप, 2 बज गया अभी तक कितने प्रेजेंटेशन हो गया, तो कहते हैं अभी तो घर का काम ही खत्म नहीं हुआ है, अभी पहले घर का काम तो खत्म कर लूं। फिर मैं बोला 4 बजे फोन किया, सर 4 बज गए क्या करें, अब काम करते करते थक गए, अभी तो हमने लंच कराया, अभी तो हमने उसके बाद अब क्या सोचा। उनको इससे लेना देना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं फुल टाइम वेस्टेज कर रहा हूँ। फुल टाइम वेस्टेज यदि आपने प्रोडक्टिव टाइम से कर लिया ना, यदि आप 8 घंटे डेली वेस्टेज कर रहे हो और 8 घंटे यदि आपने अपने प्रोडक्टिव टाइम जो रिजल्ट देने वाला टाइम है उसमें आपने लगा दिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा 1 लाख रुपए महीने इनकम पे जाने पे, गारंटी में लिख के दे रहा हूँ। कितने थैल और बैग लटका लो आप और रोज ड्यूटी जाओ 8 घंटे, यदि 20,000 रुपए महीने पे हो ना तो अगले 5 साल में 25 पे चले जाओगे, या 1 साल में आप 1 लाख रुपए महीने पे जा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि प्रोडक्टिव टाइम का ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना भी समय डेली देते हैं 8 घंटे में, कम से कम 5-6 घंटा तो लगे आप, उसी हिसाब से तो इनकम आपको आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अब आप काम करेंगे, आपको लगता जरूर है कि मैं पूरे दिन भर वेस्टेज करता रहता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा आप दिन भर वेस्टेज नहीं करते हैं, वेस्टेज उतना ही देर होता है जितना देर आप प्रेजेंटेशन में गए, आप इनविटेशन किया या कोई मीटिंग अटेंड किया, बाकी का टाइम वो स्पेयर टाइम में चला गया वो। तो अपने प्रोडक्टिव टाइम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, बहुत बड़ा कर पाएंगे आप इस बिजनेस में, राइट? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मैं जाऊंगा कि जब आप वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म पे होते हो मेरे दोस्त, तो कोशिश कीजिए कि आप कितने नंबर ऑफ प्लान कर रहे हो इसके बारे में आप बिल्कुल सोचा मत करो। आप रेगुलर लेवल पे आप काम करते रहो। अपने कहते हैं ना कि यदि आप ड्यूटी जाता है तो क्या रोज आकर के कहता है कि मैं तो आज 8 घंटे काम करके आया हूं, मैं तो आज 10 घंटे काम करके आऊ, रोज नहीं बोलता वो। क्यों? क्योंकि उसकी आदत में शुमार हो जाती है, उसको ये पता है कि ये करना ही करना है। लेकिन हम वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म में आते हैं तो 2 प्लान देने के बाद तो हम ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल कहते हैं ना समुद्र लांग गए हम, बहुत बड़ा काम करके आ गए, और तुरंत हम गिनती कर लेते हैं कि मैंने इतना काम किया। तो अपने काम की गिनती मत कीजिए। आपका ड्रीम ये नहीं है कि आपको कितना काम करना है, आपका लक्ष्य है आपको सफल होना है। अब कोई दरिया में कूद गया और वो पूछेगा कि मुझे कितनी देर तैरना है, तो मैं उससे यही कहूंगा ना कि तुम्हें तब तक तैरना है जब तक तुम्हारा किनारा ना लग जाए। तो मैटर ये करता है कि यदि हम इस फील्ड में आ गए हैं तो मुझे जब तक काम करने है, जब तक पेन लेना है, जब तक दर्द लेना है, जब तक कि मेरा सक्सेस ना आ जाए। तो कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर पूरा फोकस कीजिए, वर्क कीजिए। ऐसा नहीं कि हाँ 2 प्लान 4 प्लान किए और आप क्यों गिन रहे हो, आप जितनी कर लो।
आपके अपलायन, आपके मेंटर तो आपको कहते हैं दो प्लान करने के लिए आप 6 प्लान करो, सफलता 3 गुना आएगा। कामयाबी, मैं बताया हूं पहले भी, कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होता है, कभी भी आराम की कोख से पैदा नहीं होता है। और हम क्या चाहते हैं, हम आराम से आ जाए। आपको क्या लग रहा है, जिस फिगर को आप देख रहे हैं अरुणिमा सिन्हा को, एक पैर लेकर के बैठी हुई है, उसका अपना पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, जिसको लगा करके पूरी दुनिया फतेह कर गई वो। और क्या चीज, उन्होंने उल्टा काम करा, लोगों के पैर सलामत हैं, 100 फीट की ऊंचाई नहीं चढ़ सकते, इन्होंने 44,000+ फीट हाइट माउंट एवरेस्ट फतेह कर दी, इन्होंने समिट किया, इन्होंने दुनिया के 6 बड़े बड़े जो माउंट एवरेस्ट हैं, 6 बड़े बड़े पीक हैं, उसको इन्होंने समिट किया है। आप सोचिए कि क्या इनसे ज्यादा मजबूरी रह रही है हमारी, क्या हम इनसे ज्यादा लाचार हैं। इनके बारे में मैं हमेशा पहले भी आपको बताया हूं कि जो लोग इनको 5 मिनट में जितनी दूरी तय कर लेते थे, जब समिट कर रही थी एवरेस्ट पहली बार, तो जितना 5 मिनट में जितनी दूरी लोग तय कर लेते थे, उतनी दूरी को तय करने में अरुणिमा सिन्हा को 3 से 4 घंटे लग जाते थे। यानी जितना 5 मिनट में आप चल लेते थे, इनको 3 से 4 घंटे लगता था। इनसे बड़ा बहाना किसी का हो सकता था कि मैं नहीं करूंगी, मेरे बस का नहीं है। इन्होंने दर्द को काउंटलेस लिया, इन्होंने पेन को काउंटलेस, कभी गिना ही नहीं उन्होंने अपने दर्द को। इनके जब चलती थी ना, तो इनके जो आर्टिफिशियल पैर थे, उससे खून रिश्ता था, मतलब ब्लड रिश्ता था, तब भी नहीं छोड़ती थी। और हमारे पास 2 हाथ सलामत है, पैर सलामत है, आंख सलामत है, दिमाग बिल्कुल संतुलन में है, बस एक चीज की कमी है, इच्छा शक्ति नहीं है हमारे पास। हम कुछ बड़ा करने की सोचे, उससे पहले हम नेगेटिविटी आ जाता कि ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। तो करते कौन है मुझे बताइए, अमीर कौन बनते हैं, करोड़पति कौन बनते हैं, अरबपति कौन बनते हैं? क्या उनके पास डिफरेंट होता है? क्या बचपन में जब वो पैदा हुए थे, क्या उन्होंने कभी बेड पे सुसु नहीं किया था? हमारी तरह उन्होंने भी किया था, सबने किया, वही काम सब कुछ करा है। बड़े होने पे हम डिफरेंट क्यों बन जाते हैं? ये सब माइंड है, ये माइंड से डिफरेंट बनते हैं। हमारा हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, इनके पास तो पूरा हार्डवेयर भी नहीं है अरुणिमा सिन्हा के पास, एक पैर गायब है, तब भी ये इतने बड़े काम कर गई। और अब सबका हार्डवेयर सेम है, सॉफ्टवेयर क्या दिमाग में फिट कर रहे हैं आप, माइंड में क्या आपके चल रहा है, उसी करके आप आगे बढ़ते हो। आपके पास बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया जाएंगे। तो आप जब आगे बढ़ रहे हो, लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो उसकी गिनती कभी मत करो आप। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिलैक्स जोन में जाते हैं और हम बड़ा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी वजह होती है कि हम रिलैक्स जोन में चले जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप इस स्लाइड को समझ पाए होंगे और आपको इनसे कम से कम इतना इंस्पिरेशन तो जरूर मिला होगा कि लाइफ में मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं, कोई आपको चीज रुकावट नहीं बन सकता यदि कोई चीज को आप ठान लेते हो तो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कहूंगा, डोंट अप्लाई योर माइंड, जस्ट डुप्लीकेट। वेस्टी जैसा प्लेटफॉर्म में अपना दिमाग जिसने लगाया है वो बैठ गया है, अपना दिमाग अप्लाई करने का है ही नहीं, इसमें है ही नहीं। आप क्या अप्लाई करोगे अपना माइंड, मुझे बताइए, अपना माइंड क्या अप्लाई करेंगे आप, मुझे बताइए। जब एक सिस्टम हमें दे दिया गया है, सिर्फ उसको डुप्लीकेट कर लो आप। जो सामने 10 लाख रुपए महीने वाला इंसान जो बता रहा है, आप उनको सिर्फ फॉलो कर लो ना, आपको जरूरत क्या है, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अच्छा, जनरली जो पहले नेटवर्किंग कर चुके होते हैं ना, वो दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। मैं भी पहले 6 महीना अपना दिमाग बहुत अप्लाई करता था कि ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले का ज्ञान था ना, तो मैं उसको थोड़ा सा इसमें उड़ेलना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा डालना चाह रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी प्लेटफॉर्म यदि आपने कभी नहीं किया है, वो आपके लिए नया है, हो सकता है उसके जैसा दिखता हो लेकिन वो है तो नहीं। बिल्ली शेर की तरह दिखता तो जरूर है, लेकिन क्या बिल्ली शेर है? आपको एक समान चीज, एक रूपरेखा जैसा एक चीज दिखने वाली चीजें बराबर नहीं हो सकती कभी। कोई नेटवर्किंग आपने की है या कहीं किया है, आपका हो सकता है कड़वा एक्सपीरियंस हो, ऐसा नहीं है कि वेस्टेज में भी वही सब चीज हो, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहला काम एक जीरो करके आपको सिर्फ डुप्लीकेट करना है सीनियर को, अपने आप को जीरो कर लेना है। कितने MBA पढ़े हैं, डॉक्टर पढ़े हैं, इंजीनियर पढ़े हैं, BBA पढ़ रखा है आपने, BCA करा हुआ है, MCA कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, PG कर रखा है, यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मोइन खान जैसे अनपढ़ लोग भी आज 6 लाख 7 लाख रुपए महीने और टीम के टॉप मैनेजमेंट दीपक सूसर की इंटरव्यू ले सकते हैं, जिनकी इंटरव्यू लेने के लिए बड़े बड़े MBA और बड़े बड़े लोगों को सोचना पड़ता है।
मैटर करता है, यहाँ आपका एज मैटर नहीं करता, आप कितने साल के हैं, 50 के हैं, 55 के हैं, 60 के हैं, 20 के हैं, 18 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, कोई मायने नहीं रखता। कितने पढ़े लिखे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, पांचवी पास है, अनपढ़ है, दसवीं पास है, ग्रेजुएट है, मैंने कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी अनसक्सेसफुल होते देखा है जिनके पास बहुत बड़ी टीम है, टीम नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा लोगों को जानते हैं, वो 5000 लोगों को जानते हैं वो, लेकिन वो वेस्टेज में अनसक्सेसफुल है। कारण है क्योंकि वो अपना दिमाग लगाने की सोच रहे हैं, वो जो सिस्टम है उसको फॉलो करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने LIC एजेंट देखे हैं जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं फिर वो फेल्यूर है। कारण है कि वो अपना माइंड अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, वो सिस्टम को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वो चीजें आपको कभी कामयाब नहीं बनाएगी जो डुप्लीकेटेबल ना हो, जो डुप्लीकेट हो रहा है वही आपको आपको कामयाब बनाएगा। सपोज दैट आप कंपनी प्रोफाइल CNT या मार्केटिंग प्लान जब आप देते हो तो आप सब कुछ पता होता है कि यही चीज हमें बोलना है, डुप्लीकेट हो रही है वो चीजें, जो चीज डुप्लीकेट हो रही है जाहिर सी बात है वो एक दिन आपको सफल बना देगा। तो अपना माइंड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, सीधे सिस्टम को डुप्लीकेट करना है। नकल मारे हो ना आप बचपन में, बहुत सारे लोग नकल मारे होंगे, है ना, मैंने तो नकल मारा है भाई थोड़ा बहुत बचपन में, है ना, तो नकल मारा है, तो नकल उस समय जहां जब नकल नहीं मारनी थी जब नकल हमने मार ली, और हम जब करें अब नकल मार लो जी, जो 20 लाख रुपए महीने पे आदमी जो खड़ा होकर के बोल रहा है कि क्या करना है वही आप कर लो जी सफल हो जाओगे, तो हम नकल मारने को तैयार नहीं है, फिर अब हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। जब दो प्लान डेली है तो दो प्लान डेली दो, कोई नहीं मिलता है तो मिरर के सामने अपने आप के रोक करके दो, लेकिन देना है तो देना है, नहीं देंगे तो बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। तो अपने माइंड को अप्लाई मत कीजिए, आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। आप मैं कहता हूं बहुत बड़े लेवल पे आप जाएंगे, सच बता रहा हूं आपको, सिर्फ डुप्लीकेट कर लीजिए आप। जो बड़े बड़े लोग आज, जो राज मोहम्मद सर आज 10 लाख से ऊपर की पेऑर्ड पे हैं, रिजवान खान 14 लाख की पेऑर्ड पे हैं, उनसे पूछिए ना कि ऐसे साधारण व्यक्तित्व का लोग, आठवीं दसवीं पास लोग आज यदि 14-15 लाख रुपए महीने की अर्निंग कर रहे हैं, उनका यूट्यूब पे वीडियो सुन लीजिए, उनका सक्सेस स्टोरी, उसी हिसाब से आप काम कीजिए ना। जो उन्होंने चैलेंजेज लिया है वो चैलेंजेज आप भी ले लीजिए ना, क्या इशू है, बहुत बड़ा काम करेंगे आप। तो अपना माइंड अप्लाई मत कीजिए, अपनी होशियारी से यदि इनकम आ रहा होता, अपनी चालाकी से इनकम आ रहा होता तो आज से पहले आपको 1 लाख का पेआउट आपके बैंक में आ चुका होता, अब तक क्यों नहीं है फिर, है ना। तो अभी भी यदि हम वही चीज अप्लाई करेंगे अपने आप को तो क्या वो इनकम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो जस्ट अप्लाई द सिस्टम, डोंट अप्लाई योर सेल्फ, डोंट अप्लाई योर माइंड। हाँ, अपने आप को बड़ा बनाने की हमेशा सोचना है कि हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व का विकास बड़ा होगा जिससे कि हमारी प्योर उसी के आधार पर बड़ा होगा, है ना। जैसे कि पहले भी मैंने बताया आपको कि आपकी इनकम आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग कभी नहीं लगाती, है ना। अब होता क्या है, ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि आपकी इनकम आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग नहीं लगाती, तो पहले वाला पर्सनैलिटी कितने हजार का है, 20,000 रुपए महीने का। अच्छा, पहले वाला ही दिमाग लग रहा है तो इनकम कितना देगा, 20,000 रुपए देगा, तो फिर वही दिमाग अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो लीडर ने बोला कि लीडरशिप डेवलप करो, लीडरशिप डेवलप करो, रोज 2 CNT दो, रोज 2 CNT दो आप, रोज प्रोस्पेक्टिंग कीजिए तो रोज प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, रोज प्रोडक्ट का जानकारी लीजिए डेली बेसिस पे, रोज प्रोडक्ट का जानकारी लीजिए। बड़ा कैसे नहीं होगा, बड़ा तो इतना बड़ा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली अपनी होशियारी और चलाकी नहीं दिखानी आप, सिर्फ डुप्लीकेट आप कर लो, बिजनेस को बहुत बड़ा कर जाओगे। और ये हमारा आज का सेशन था आप लोगों के बीच में जो मैं लेकर के आया था, और वो सेशन मैं समझ पाऊंगा, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि ये जो आपने छोटा सा बताने को, मैं और भी आगे जाऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट जब आपका पार्ट 4 कल होगा तो बहुत सारी बातें हम कल पार्ट 4 में बात करेंगे। तो पार्ट 3 आज आप लोगों के बीच में लेकर आया था, मुझे पूरा विश्वास है कि सबके पास डायरी और पेन होगा, और वो डायरी और पेन कहीं ना कहीं आपने ली होगी, और वो डायरी और पेन लेकर के सब कुछ लिखा होगा आपने, क्योंकि जो स्लाइड मैंने आपको बताया आज वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 50 लोग से ज्यादा अभी भी हमारे बीच में बने हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं थोड़ा सा मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूं, और मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं टाइम का पंक्चुअल ही रहूं। तो जो चीज मैंने आज आपको बताया कि काउंटलेस पेन कैसे लेना है, सिस्टम को डुप्लीकेट कैसे करना है आपको, प्रोडक्टिव टाइम के ऊपर कैसे वर्क करना है आपको, ये सब चीजें जो मैंने आज आपको बताई है इसको शिद्दत से बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। जब आप फॉलो करेंगे एक बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। मैं
दावे के साथ कहता हूं कि यदि ये सब चीजें आपने गौर करना शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरुआत से, एक बहुत बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे। सच बता रहा हूं आपको, आपको आने वाले दिनों में क्राउन, डीसीडी, यूसीडी या डीयूसीडी आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है दोस्तों, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, जिसके सारे आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये आपका सेशन था, जो आपको जो ये आपने प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया, जो मैंने आपको पार्ट फोर पार्ट थ्री लेकर के आया स्पेशल, जो आपको करना है आने वाले दिनों में, जिससे आप कामयाब बनोगे, बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप 110% क्राउन डायरेक्टर बनकर निकलोगे, राइट। तो कहते हैं ना, एक जाते जाते मैं एक शायरी आपको बता दूं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े जबरदस्त होते हैं। कहने का मतलब, सपने जिन्होंने बहुत बड़ा लिया हुआ है, जिन्होंने बड़ा सपना है जिनका, उनके पास चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो चैलेंजेस कम समय में, ज्यादा चैलेंजेस आएंगे तभी तो कम समय में अमीर बनेंगे। कहते हैं, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके बड़े जबरदस्त होते हैं, हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में हमेशा वो मदमस्त होते हैं। और वही मदमस्ती में आपके अंदर देखना चाहता हूं, और एक कामयाब इंसान के रूप में आपको मैं देखना चाहता हूं। तो यहां ये सेशन था आप लोगों के बीच में, तो मैं आपको यहां पे अब फेसबुक लाइव में क्लोज करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सेशन आप लुफ्त उठाए होंगे आप, और बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत मस्ती आई होगी आपको, और सीख पाए होंगे कि वेस्टेज को हम बड़ा कैसे करें, राइट।